वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा मोशन पोस्टर। सो जिसे कि बहुत लोग बोलते हैं वीडियो प्रमोशन पोस्टर भी। सो इस मोशन पोस्टर को क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप का। सो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे तो आप इस टाइप की वीडियो से अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप के मोशन पोस्टर क्रिएट करना सीख लेते हैं तो आप इजीली 1000 से लेकर 2000 तक अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव स्किल्स पे। स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और एड इंडस्ट्री को इस टाइप के पोस्टर्स क्रिएटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो अगर आप भी कुछ सीख के कुछ अर्न करना चाहते हैं सो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। सो बिना देरी किए सबसे पहले क्रिएट करना सीखते हैं अपने पोस्टर को। सो सबसे पहले आप अपनी जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं उसे आप करेंगे इंपोर्ट अपने फोटोशॉप में। सो इंपोर्ट करने के बाद जितना भी आपका ये अनयूज्ड एरिया है उसे आप करेंगे रिमूव। सो रिमूव करने के लिए आप आएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे और यहाँ पर आपको मिलेगा मैजिक वैंड टूल। आप इसे W प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से अपने अनयूज्ड एरिया को करेंगे सिलेक्ट। सो अनयूज्ड एरिया को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे डिलीट। सो डिलीट प्रेस करते ही जितना भी आपने एरिया सिलेक्ट किया होगा वो हो जाएगा डिलीट। सो ये गाइस हमारा स्टेप वन अपनी फोटो को सिलेक्ट करने का। अब हम इस फोटो के पीछे अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड। सो ये है मेरी बैकग्राउंड लेयर और इसे मैं करूंगा ऑन। सो इस टाइप का गाइज मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है इस फोटो के पीछे। सो ये जो मैं पोस्टर क्रिएट कर रहा हूँ ये है गाइज एक म्यूजिकल बैंड का पोस्टर। सो उसी से रिलेटेड मैंने अप्लाई किया है एक बैकग्राउंड। सो अब हम इस पोस्टर को फिल करेंगे कुछ टेक्स्ट एंड लोगोस के साथ। सो टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं, इन्हें सबको मैं कर दूंगा विजिबल। सो इस तरीके से आप टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। सो टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए आप आएंगे यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन पे और टाइप कर सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पर जो ऊपर का एरिया है अभी ये भी लग रहा है कुछ एम्प्टी, सो इसके लिए मैं कुछ करूँगा यहाँ पे लोगोस अप्लाई। सो इस तरीके से आप अपने पोस्टर को करेंगे क्रिएट। सो पोस्टर क्रिएट करने की क्रिएटिविटी आपके ऊपर है कि कितना क्रिएटिव आप पोस्टर करते हैं क्रिएट। सो पोस्टर क्रिएट करने के बाद आप यहां से इसे कर देंगे सेव। सो गाइस बैनर हमने क्रिएट कर लिया है फोटोशॉप में और अब हम उसे लोड करेंगे प्रीमियर प्रो में। सो लोड करने के लिए आप आएंगे यहां पर नीचे इस साइड पे अपना लेफ्ट साइड पे और यहां पर आप करेंगे राइट क्लिक और आप आएंगे यहां पे इंपोर्ट पे। सो इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे अपने बैनर की PSD फाइल को। ये है गाइस मेरे बैनर की PSD फाइल। सो इसे मैं करूंगा सेलेक्ट और नीचे यहां से कर देंगे आप ओपन। सो ओपन करते ही आपकी सारी फाइल्स हो जाएंगी इंपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद मर्ज लेयर से हटा के आप इसे करेंगे इंडिविजुअल लेयर्स पे और उसके बाद आप कर देंगे यहां पर ओके। सो ओके करते ही आपकी जितनी फाइल्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी इंपोर्ट एक सिंगल फोल्डर में, जैसे कि यहां पर है ये मेरा फोल्डर। सो अब मैं इसे करूंगा ओपन। सो ओपन करने के लिए डबल क्लिक सिंपल और ये है गाइज मेरी सारी वो फाइल्स जिन्हें मैंने क्रिएट किया था फोटोशॉप में, जैसे कि आपको पता है अभी जस्ट आपने देखा है। सो अब हम इन्हें ड्रैग करेंगे वन बाय वन यहाँ पे। सो ये है गाइज मेरी मेन लेयर जो था बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड के बाद वन बाय वन इन सभी लेयर्स को आप इस तरीके से करते जाएंगे ड्रैग और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपका पूरा जो बैनर आपने क्रिएट किया है वो आ जाएगा यहाँ पर प्रीमियर प्रो में। सो गाइज यहाँ पर हमारा जो बैनर है वो कम्प्लीटली हो चुका है इंपोर्ट लेयर बाय लेयर। सो अब हम इन लेयर्स पे अप्लाई करेंगे कुछ इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन। सो गाइस अब मैं वीडियो को हमारा ये पोस्टर कन्वर्ट हो जाएगा एक वीडियो पोस्टर में। सो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आप भी इस टाइप के पोस्टर क्रिएट करना और सीख लेते हैं तो आप भी इजीली अर्न कर सकते हैं। सो इस टाइप के पोस्टर्स को क्रिएट करके आप इजीली 1000 से 2000 तक चार्ज कर सकते हैं। सो अगर आप भी साइड अर्निंग करना चाहते हैं तो आप भी इस टाइप के पोस्टर क्रिएट करना सीखें ताकि आपकी थोड़ी साइड अर्निंग भी हो जाए। सो अब आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पे मैं करूँगा अप्लाई और जितने भी इफेक्ट्स मैं यूज़ करूँगा वो सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में से आप उन सारे इफेक्ट्स ट्रांजिशंस और फाइल्स को कर सकते हैं डाउनलोड।
सो गाइज, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको यहां तक चीजें आई होंगी समझ। सबसे पहले गाइज मैंने अप्लाई किया है यहां पे एक स्पिन इफेक्ट। सो अगर आप इस इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं मैन्युअली, अगर आपके पास ये सारे इफेक्ट्स नहीं हैं तो आप इसे मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल यहां पर लगाना है कट, जैसे कि मैंने यहां पर एक कट लगाया। इतना कट लगाने के बाद आप आएंगे यहां पर रोटेशन पे, रोटेशन पे आप अप्लाई करेंगे की फ्रेम यहां पर, और यहां पर आप आकर स्टार्टिंग पे कर देंगे इस तरीके से रोटेट। सो जैसे कि अभी आपने देखा होगा, सो इन सारे इफेक्ट्स को आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पर मैंने अप्लाई किया है पुश इफेक्ट, जैसे कि आप देखेंगे नीचे से पुश हो रहा है ये ऊपर की तरफ। और अगर आपके पास ये सारी प्रीसेट्स नहीं है तो आप इन प्रीसेट्स को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। अगर आप यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले लगाएंगे कट। सो जहां पर आपने लगाया होगा कट, सो कट लगाने के बाद आप इस लेयर को करेंगे सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर अप्लाई करेंगे की फ्रेम पोजिशन पे। सो पोजिशन पे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आप आगे आएंगे और यहां पर इसकी पोजिशन कर देंगे इस तरीके से डाउन। सो इन सारे इफेक्ट्स को आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं कि अगर आपके पास ये सारी प्रीसेट्स नहीं है तो आप इन इफेक्ट्स को भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो वैसे ये सारे के सारे प्रीसेट्स और इफेक्ट जितने भी ट्रांजिशंस मैं यूज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इफेक्ट्स मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पे, चेकआउट करिए वो सारी वीडियोस को। सो गाइस, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने अपने पोस्टर को करना है क्रिएट, और उसके बाद उस पर किस तरीके से आपने क्रिएट करने हैं मोशंस एंड इफेक्ट्स। एंड गाइस, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं इस टाइप के पोस्टर्स को क्रिएट करने के। सो आप भी इस टाइप के पोस्टर्स क्रिएट करना सीखें और करें अर्निंग। सो इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, तो नोटिफिकेशन बेल को कर ले प्रेस। रब राखा।